Yes, good afternoon everyone, good afternoon. So, as we discussed in the last lecture, we already completed how to purchase, how to sell, how to calculate dividend. यहाँ आपका टॉपिक चल रहा है इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द सेल्स. तो उसके थ्री प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे, परचेज करना है, सेल करना है एंड डिविडेंड काउंट करना है. ये थ्री ट्रांजेक्शन्स के एंड में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू काउंट प्रॉफिट और लॉस. ओके, आर यू गेटिंग? ठीक है. नाउ आज ना एक डिफरेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड बोनस सेल्स. भी आपको वर्ड तो नया है कि स्टॉक मार्केट में बोनस, बट बोनस वर्ड हमको पता है. लाइक अगर कोई कंपनी के आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हो तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कोई सर्टेन रीजन है, जैसे हम इंडिया में है तो दिवाली है, फॉरेन में है तो क्रिसमस है, ये सब ओकेजन पे कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस डिक्लेयर करती है, तो वो अलग रीजन है बोनस एक्सप्लेन करने के लिए. सेम एज यहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिसने ऑलरेडी स्टॉक बाई किया हुआ है, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, कंपनी क्या करती है उनको एक्स्ट्रा शेयर्स देती है, दैट इज कॉल्ड बोनस. कैसे काउंट करना है दैट वी डिस्कस. ओके, सी थोड़ा रेंडम क्वेश्चन सॉल्व करना हमने पहले डिस्कस किया था, है ना. क्वेश्चन नंबर्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को प्रॉपरली टाइप वाइज डिस्कस करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सोना बोट 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एंड 850 क्या आएगा आपका मार्केट वैल्यू. आफ्टर 3 मंथ सी गोट डिविडेंड ऑफ 40% एंड आफ्टर 8 मंथ सी रिसीव 2 बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स. आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन के 2 बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स. आफ्टर दैट सी सोल्ड ऑल द शेयर्स एट ₹1000 ईच. पहले परचेज किया, परचेज करने के बाद डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला उसके बाद कंपनी ने बोनस भी दिया, उसके बाद उसने उसके पास जितना स्टॉक था उसको उसने सेल कर दिया. ओके, द ब्रोकरेज वॉज 2% ऑन बोथ, परचेज में भी 2% है और सेल में भी 2% है. ओके, सो फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो एट प्रेजेंट आज जो हमने स्टार्ट किया वो बोनस टाइप के सेल्स है. एज पर द क्वेश्चन सोना बोट 300 नंबर ऑफ कितने सेल्स है 300 फेस वैल्यू कितना है ₹100 नंबर ऑफ सेल्स 300 है, फेस वैल्यू 100 है एंड अभी परचेज करने जाना है. ओके, तो देखो हम एज पर द ट्रांजेक्शन वाइज लिखेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा. तो यहां मैं पहले लिखूंगा फॉर परचेजेस. ओके, अब मुझे परचेज करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. जब मैं परचेज करने गया तो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 850 दिया है आपके क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू 850 है. ब्रोकरेज ₹17 आपका कैलकुलेट करना है 850 का, अगर 2% ₹17 देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर 850 + 17 कितना आ गया 867. सी अर्लियर लेक्चर अगर बाई रीजन कुछ भी हो आपका आपने अटेंड नहीं किया है ना, सो डोंट वरी, इसके पास्ट वाले जितने भी लेक्चर्स थे सबके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए. सो इफ यू आर नॉट अटेंडेड दैट लेक्चर सो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट
दैट रिवाइज दैट ऑल वीडियोस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. ओके, तो ये आपका परचेज प्राइस था. तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स ऑलरेडी है 300, नंबर ऑफ सेल्स ऑलरेडी है, तो आपको टोटल अमाउंट फाइंड, देखो टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टोटल परचेज प्राइस. कैसे? नंबर ऑफ सेल्स इनटू परचेज प्राइस ऑफ वन से, व्हाट आर द नंबर ऑफ सेल्स ऑलरेडी 300 एंड व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ वन से 867. So my 867 price into quantity 300, 260,100. Okay. तो हमने देखो क्या किया, परचेज कर लिया. परचेज में आपके पास क्वांटिटी था कितना, 300. तो परचेज का टोटल अमाउंट मिल गया 260,100. ओके, तो ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया. आपके एक क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं. After 3 month, याद रखना है इन्वेस्टमेंट के कोई भी क्वेश्चन में नेम, मतलब यहां पे लिखा है सोना, ओके, कंपनी, डेट, मंथ, ईयर, सब कुछ इग्नोर करना है. आपको कोई कंसर्न नहीं है क्या चल रहा है, आपको ट्रांजेक्शन से जाना है. सी रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 40%. ओके, तो ये मैंने परचेजेस कर लिया. अब मैं काउंट करूंगा डिविडेंड के लिए. डिविडेंड आएगा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ सेल्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज द फेस दिया रहेगा सब क्वेश्चन में, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100. हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स 300. आपका सी 100 rupees एज पर द क्वेश्चन, 100 rupees फेस वैल्यू था, 40% डिविडेंड था, और 300 तो आपको सी यू कैन काउंट डायरेक्टली ऑल्सो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका. 12,000 rupees क्या आएगा यहाँ पे आपका, सो योर 12,000 इज डिविडेंड. और इज 12,000 डिविडेंड, परचेज कर लिया, डिविडेंड मिल गया. अभी नाउ सी द क्वेश्चन, सी आफ्टर दैट सी रिसीव द 2 बोनस फॉर एवरी 5 सेल्स, फॉर बोनस 2 बोनस सेल्स फॉर एवरी. देखो ये कंसेप्ट आपको समझना है, ध्यान से समझना. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई भी कंपनी है, समझो दिवाली है, और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया, तो क्या करेगी कंपनी, अपने हर एम्प्लॉय को सेम बोनस नहीं, एज पर द पोस्ट परसेंटेज समझो सेम है कि हर एक को 10% देना है, तो लोअर स्टाफ से लेकर अपर स्टाफ जो एग्जिस्ट सैलरी होगा उसका 10% देंगे, नहीं कि 1,000 rupees तो सबको 1,000 rupees बोनस, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे भी कंपनी ने क्या किया है, एज पर द क्वेश्चन 2 बोनस फॉर एवरी 5. आपके पास 5 सेल्स है, हाँ, तो 2 एक्स्ट्रा बोनस वो तो रहेगा ही, 2 एक्स्ट्रा सेल्स कंपनी, मतलब 2 अगेंस्ट 5. आप बोलेंगे कि सर मेरे पास 10 सेल्स है, आपको फॉर्मूला, आप बोलेंगे मेरे पास 50 है, कंपनी बोलेगी तू 20 लेके जा, मतलब 2 अगेंस्ट 5, 2 against 5. So therefore, number of bonuses already says है कितने आपके पास, 300. इसको count करो, 120. So ये रुपीस दीजिए. मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी 300 सेल्स थे. कितने, यहां पे लिखा है नंबर ऑफ सेल्स 300 ऑलरेडी थे. कंपनी मुझे कितना एक्स्ट्रा देगी,
120, कंपेयर किया ना 2 अगेंस्ट 5, 5 है तो 2, 50 है तो 20, 300 है तो, मतलब के देयरफॉर न्यू नंबर ऑफ से, ओके ऑलरेडी 300 था, ऑलरेडी आपके पास 300 तो था, 120 नया है, मतलब अगर मैं मेरे डीमैट अकाउंट में चेक करूं कि अभी मेरे पास कितने शेयर्स है तो वो 300 का कितना हो गया 420। सी दिस इज द बेनिफिट ऑफ बोनस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर्स, ओके। सो यहां पे हमने परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद डिविडेंड ले लिया, डिविडेंड करने के बाद कंपनी ने बोनस भी दिया है, अब हम क्या करेंगे सेल करेंगे, अब हम क्या करेंगे सेल, ब्रोकरेज तो सेल्स में भी है। देखिए क्वेश्चन, आफ्टर दैट सी सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑफ रुपीज 1000 विद इन 3 मंथ, ओके ओके। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है, सेल करना है, अब तो पता है मार्केट वैल्यू 1 से कितना है 1000, थाउजेंड का 2% 20, थाउजेंड था क्यों लेस हो गया, अरे एक सिंपल बात है यार, मैंने अर्लियर जितने क्वेश्चंस के सब में आपसे डिस्कस किया कि जब आप परचेज करते हो ना तो आपके ट्रांजेक्शन्स में, आपके अमाउंट में, मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड करना है, बट जब मैं अगर सेल कर रहा तो मेरे सेलिंग में मेरा ब्रोकरेज लेस हो जाएगा, 998 आ गया। सो टोटल सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस नंबर ऑफ सेल्स 420, आप बोल गए सर नंबर ऑफ सेल्स तो 300 था, अरे 300 जब हमने बाय किया था ना बेटा तब था, जब बाय किया था तब था, जब हमने सेल करना स्टार्ट किया तब तो उसके पहले बोनस ले लिया है ना 120 का, मतलब हमारे पास ऑलरेडी 420 सेल्स तो है बेटा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 998 से, 419,160, 419,160, ओके। देखिए परचेस करना है, पहले परचेस, फिर डिविडेंड लेना है, बोनस मिल गया मतलब सेल्स इंक्रीज हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना है, तो पहले आप ले लो टोटल इनकम, इनकम पैसा दो बार आया, देखो जब मैंने डिविडेंड इज इनकम यस, तो टोटल इनकम कैसे आएगा, डिविडेंड प्लस टोटल सेलिंग प्राइस 12,419,160, तो आपका जो 419,160 है उसमें 431,160 ओके, इतना तो आपका प्रॉफिट, ये इनकम हुआ। सो वी हैव टोटल इनकम 431,160, ओके। आपको क्या लेके आना है, We want percentage return on investment, okay? तो ये तो income हो गया, तो उसके साथ मैं profit लेके आऊंगा, profit कैसे find होगा बेटा, आपका जो income है उसमें से आपके pocket से जो गया ये रहा, ये आपने pay किया था, तो आपके income में से investment less कर दो, income कितना है मेरा
4,31,160. इन्वेस्टमेंट कितना है 260,100. अब इसको आप अगर काउंट करते हो -260,171,060. दिस इज योर ओनली प्रॉफिट. सी ये प्रॉफिट है बेटा. अभी भी आपको इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना है. देखो थोड़ा लेंदी समय हो तो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि ट्रांजेक्शन इसमें सब आ गए, सबके सब ट्रांजेक्शन आ गए. परचेज भी किया, सेल भी किया. अब क्या करना है, अब यहाँ पे लेके आना है परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. देखो कैसे प्रॉफिट अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इंटू 100. प्रॉफिट है 1710160. इन्वेस्ट कितना किया था 260,100 इंटू 100. ये आपका डिवाइड 260,100 65.76. ये पार्ट थोड़ा डिफरेंट रखना. मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में, लिसन, पूरे ट्रांजेक्शन में हाउ मच वी अर्न इन द रुपीज वाइज 1,71,060 रुपीज. परसेंटेज रुपीज आ गया. परसेंटेज वाइज वी अर्न 66% ऑफ द एंटायर ट्रांजेक्शन. परचेज, डिविडेंड, बोनस, बोनस आपके सेलिंग में, बोनस आपके सेल्स जो थे पहले उसमें एड हो जाएगा. परचेज, डिविडेंड, बोनस, सेलिंग एंड एंड में प्रॉफिट. प्रॉफिट का परसेंटेज 66%. ओके, अंडरस्टूड? ओके ओके. सो आइदर यू जस्ट राइट डाउन दिस और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो रिलेटेड विथ योर बोनस सेज. Your question number 20. Lupin purchase 400 shares of face value rupees 100 each. Market price is 250. And after 2 months, company declared dividend of 20%. Dividend bhi mil raha hai. After 6 months, it also gave one bonus for every 10. Abhi humne discuss kiya beta. Bonus sabko similar nahi hota hai. Aapke existing quantity pe depend karta hai. After 9 months. He sold all the shares market price of rupees 300. So find brokerage. यहाँ पे थोड़ा सा printing error है. It's a 2.5% for each of the transaction. Okay. आपने भी sir ये ऐसा क्यों लिखा है? अरे ये last question का as it is format use होगा बेटा. So we have to understood के just format is same है. खाली calculation में changes आएंगे. देखे. In this question. Lupin purchase number of shares 400. Face value कितना है rupees 100. Market price कितना है? Market price rupees 250. And brokerage दिया है ना आपको, कितना है 2.5. 250 का 2.5%. Okay. 250 into 2.5. percent comes to 6.25. it comes to 256.25. 250 simple है यार, जो transaction है वैसे ही जा रहा है. तो आपके pocket से total कितना गया? numbers मेरे पास already 400 है. Into 256.25.
1,02,500. ओके, तो ये आपका एक परचेज वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आपके क्वेश्चन में बेटा आपको डिविडेंड दिया, देखो जरा कितना परसेंट है डिविडेंड। ओके, ही लुपिन है ना, ओके, ही रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। डिविडेंड है, फेस वैल्यू 100 है, नंबर्स 400 है, 20%। आप काउंट कर लो 8,000 आएगा। यहाँ आपका लुपिन का 400 क्वांटिटी फेस वैल्यू है, 20% 8,000। ओके, और बोनस कितना है देखो क्वेश्चन में, ही रिसीव्ड बोनस ऑफ, क्या लिखा है, ही रिसीव्ड बोनस ऑफ 1 for every 10। ओके, 1 bonus for every 10, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है एक बोनस, 20 है 2, 30 है 3, ठीक है ना, 10 है 1 एक्स्ट्रा, तो बोनस ऑलरेडी 400 था, 1 against 10, ये आ गया 40। तो मतलब कि आपके पास न्यू क्वांटिटी कितना आ गया, योर न्यू क्वांटिटी इज 440। न्यू क्वांटिटी कितना आएगा बेटा, 440। ओके, अब सेल करना है, देखो लिखा है क्वेश्चन में, आफ्टर दैट After 9 months, if the price of rupee is 300, क्या प्राइस से सेल करना है 300, उसका ब्रोकरेज 7.5 आएगा, फिर चेक कर लेते। वो एज यूजुअल आपको पता है यार, परचेज में ऐड करना है, सेल में लेस करना है। नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास कितने थे, 400, नहीं वो तो बिफोर बोनस थे, आफ्टर बोनस 440। आपने जो डिविडेंड लिया है ना बेटा, वो आपका प्रॉफिट ही है 8,000, 128,700, 136, और ये इनकम हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट आपके पॉकेट से कितना गया था, 1,025। जैसे आपके 10th और 12th के परसेंटेज का रिजल्ट बनता है ना बेटा, सेम वैसे ही लाना होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1,02,000 का और मुझे प्रॉफिट आया 34,200 और इन्वेस्टमेंट था 1,02,500। आप एप्रोक्स 33 लिखो, 34 लिखो, वो कोई कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं ना बेटा, तो सेम प्रोसेस है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम। क्या किया यहाँ पे हमने, परचेस किया है, पहले तो परचेस किया है, परचेस का अमाउंट फाइंड किया, तो परचेस किया, परचेस का अमाउंट मिल गया, टोटल अमाउंट ऑफ परचेस, फिर डिविडेंड फाइंड किया है, फिर बोनस, बोनस मैंने बताया आपको कि आपके एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही मिलता है। मैं आप अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं है तो हमें कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला नहीं है, मिलेगा ही नहीं। आप एम्प्लॉय हो गए तो बोनस, तो वैसे यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स हो, मतलब पहले से आपने ऑलरेडी शेयर लेके रखे, कितने शेयर है 10, एग्जाम्पल 10 है तो एक बोनस,
मतलब कि वन अगेंस्ट टेन 400 था हमारे पास, तो 400 के अगेंस्ट में 40 आ गया बोनस, उसको हमने ऐड कर दिया 440, सेल किया, सेलिंग अमाउंट आ गया, वी आर अर्निंग अमाउंट टू टाइम्स, डिविडेंड एंड सेलिंग प्राइस, वो ऐड कर दो तो आपके इनकम में से या आपका टोटल परचेस प्राइस आपके इनकम में से इन्वेस्टमेंट लेस कर दो, यू विल गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट मेरे पॉकेट से गया था इतना, ये मेरा प्रॉफिट है, तो आएगा 33 मतलब अप्रोक्स 33%, हाउ मच वी अर्न, तो वी अर्न 30 जो भी है 33%, ओके, सो अंडरस्टूड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. Okay, so stay connected with us. Kuch bhi confusion, you can contact us, you can call us, you can contact our office. And ye aapke bonus type ke questions the. Aur ek type pending hai split of sales. So that we continue and discuss in the next lecture. Okay, take care. Bye bye everyone. Goodbye. Have a nice day. Thank you.